करनाल के नगला फार्म में पारिवारिक कलह के चलते पति की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने कुंजपुरा थाना के अंतर्गत आने वाले नगला फार्म गांव की रहने वाली पत्नी अंजू, चाचा राकेश और मकान मालकिन आशा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि तीनों ने राकेश कुमार निवासी नगला फार्म के साथ मारपीट की थी। वारदात के दौरान तीनों आरोपियों द्वारा राकेश के ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। गंभीर हालात में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वही डीएसपी मुकेश ने मौके का निरीक्षण किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। नगला फार्म के किशन सिंह ने बताया कि उनके लड़के राकेश कुमार की शादी 10 साल पहले नलीपार की अंजू से हुई थी। राकेश कुमार के 3 बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि पत्नी अंजू राकेश कुमार के साथ बहुत झगड़ा करती थी। छोटी छोटी बातों पर इनकी आपस में बहस रहती थी, जिसके बाद अंजू कुंजपुरा में किराए के मकान में रहने लगी। पिछले 15 से 20 दिन से राकेश कुमार भी पत्नी के साथ कुंजपुरा में किराए के मकान में रहने लगा। इस दौरान फिर राकेश कुमार के साथ झगड़ा किया गया। इसकी जानकारी उसने हमें फोन पर दी थी। कई बार अंजू को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो झगड़ालू थी। मकान मालकिन आशा भी अंजू का साथ देती रही। अंजू के चाचा भी राकेश कुमार से झगड़ा करते थे। शनिवार शाम को राकेश कुमार जैसे ही घर पर पहुंचा तो तीनों आरोपियों ने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। साजिश के तहत आरोपियों ने उस पर तेल डालकर आग लगा दी। राकेश कुमार आग में बुरी तरह से झुलस गया। आसपास के लोगों ने उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान राकेश कुमार की मौत हो गई। कुंजपुरा थाना जांच अधिकारी श्रीकांत ने बताया कि राकेश कुमार के पिता किशन की शिकायत पर आरोपी अंजू, मकान मालकिन आशा और अंजू के चाचा राकेश पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन तीनों ने राकेश कुमार को जलाकर मारा है। आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, इसके बाद झगड़े का कारण स्पष्ट होगा। घर में थोड़ी रंजिशी थी, उसमें थोड़ा झगड़ा हुआ, फिर घर का पता नहीं भी क्या होया क्या नहीं। अच्छा। अब पता लगेगा भाई क्या है, पुलिस भी आएगी, बयान होंगे जी अब उनको जी। तो 3 लोगों ने? हाँ, 3 लोगों ने जी। हाँ जी, कितने लोग हैं? 3 कह रहे हैं। 3 क्या किया उन्होंने? 3 नाम बताया गया जी। वो 3 का नाम बताया गया जी, आग लगाई। हाँ, उन्होंने मारपीट किया। मारपीट कर मौत होगी? मौत होगी जी। मौत या हो? आप क्या चाहते हैं? अब हम गिरफ्तारी चाहते हैं, कानून कार्रवाई चाहते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, पोस्टमार्टम होगा? हाँ, पोस्टमार्टम होगा जी। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी, पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दर्शनलाल जी। कहाँ से हो? गांव नगला फार्म से। क्या हुआ माता जी, पूरा मामला क्या? मेरा बच्चा उरी रहता था, उसने बुला लिया उसकी घरवाली ने बुला लिया, वहीं रह गया 3-4 दिन। उसने क्या पता क्या करा, आपस में उसकी लड़ाई होगी। लड़ाई के बाद हमारे को पता लगा उसने, उसके चाचे ने उसकी जूनती किराएदार थी, उसकी घरवाली थी, बाथरूम में पकड़ के आग लगा दी मेरे बच्चे को। हमारे को पता नहीं लगा, दूसरों ने, उसकी मैडम थी मेरे लड़के की, उसने फ़ोन करा, इन्हें नहीं फ़ोन करा। कहाँ के रहने वाले हो आप? नगला फार्म जी। तो लड़के से ससुराल कहाँ पे है? नली पार के हैं जी। आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था? आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, हमारे को पता नहीं है। वो तो बच्चे को मारे चला जाता था। बच्चों से मिले? छोटे छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं जी। कैसे पता चला आपको ये पूरा हादसा हुआ है? जहाँ काम करता था मेरा बच्चा, मेरा लड़का जहाँ काम करता था, उसकी मैडम ने फोन करा, इन्हें नहीं फोन करा। तो क्या कहते हैं वो दूसरे, कि कैसे वो हादसा हुआ? वो कुछ नहीं बता रही, लिखवाई। आपको पता कैसे लगा माता जी? जो जहाँ काम करता था मेरा लड़का, ऑफिस में वह मैडम ले आई, मैडम के पास उन्हें फोन करा, पुलिस ने उसने बयान दिया, मेरे लड़के ने बयान दे दिए। क्या जी? क्या दिया? मेरे को एक उसका चाचा था, उसकी घरवाली का, उसकी घरवाली का चाचा था, एक मकान मालकिन थी, एक उसकी घरवाली थी। मेरे को पकड़ के आग लगा दी, उसमें भटता रह गया, मैं चलता रह गया, मेरे को दबा के उसमें बाथरूम में मैंने आग लगा दी। कितनी उम्र थी लड़की की? 35 साल। क्या नाम था? राकेश। बच्चे भी हैं उसके? 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़की 1 लड़का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीता जी। स्टेटमेंट दिया उसने? हाँ, वो स्टेटमेंट नोट कर ही रहे थे, जब बीच में ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई, अभी उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट साहब से लेंगे। क्या आरोप लगाया? तीनों ने आग लगाई उसको? तीनों ने आग लगा, तेल डाल के आग लगाई है। क्या कार्रवाई की जा रही है? केस दर्ज करके
पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई की। 302 का केस होता है, 302 का केस दर्ज किया। तो क्यों आग लगाई, कोई घरेलू कलह था? आपस में मियां बीवी घरेलू कलह के कारण जिससे आग लगाई। हाँ जी। तो उसमें पत्नी ने भी आग उसमें पत्नी पर आरोप है और एक मकान मालिक है और एक जो पत्नी का चाचा है उसके ऊपर आरोप है। तो ये बयान कुछ लड़के ने दिए? ये अभी बयान जो लड़के ने दिए हैं वो तो उस मजिस्ट्रेट साहब के पास अभी कॉपी ले रहे हैं, पूरे नहीं है उसमें, बड़े देखा जाएगा। और जो ये इसके लड़के फादर ने दर्ज कराए। आज पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ पोस्टमार्टम चल रहा है अभी, आए हैं डॉक्टर साहब। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।